बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के आते ही बहुत सारे खवातीन हजरात और इवन बच्चों की पैरों की हाथों की स्किन जो है वो बहुत डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। स्पेशली पैरों की जो एड़ियां हैं वो फटने लगती हैं, जिसकी वजह से अमूमन उनको नोचने से या खींचने से स्किन जो है वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से अक्सर वहाँ पर ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की स्किन प्रॉब्लम, जैसे स्किन का डबल टोन होना, इचिंग होना, स्किन का डैमेज होना, इन सारे प्रॉब्लम के हल के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त होममेड जो है वो पेडिक्योर है, जिसकी वजह से आपको इन सारे प्रॉब्लम से जो है वो रिलीफ मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो की डिटेल जानने के लिए, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मैं हूं डॉक्टर सायमा, वेलकम करती हूं आप सबको अपने चैनल सायमास रेमेडीज़ में। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपके सीज़न जैसे कि शुरू हो चुका है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं बाज़ इलाकों में ज़्यादा और बाज़ में कम, लेकिन दोनों सूरतों में कुछ लोगों की स्किन के साथ प्रॉब्लम होते हैं। अमूमन घर में काम करने वाली ख़वातीन की स्किन, चूँकि पानी में काम करना, किचन में काम करना, उसकी वजह से उनकी पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो बहुत डैमेज हो जाती हैं, फटना शुरू हो जाती हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें पानी का इंटेक का कम होना, विटामिन सी अपनी डाइट में ना लेना और प्रॉपर अपने पैरों का ख्याल ना रखना जैसी चीज़ें शामिल हैं। तो ऐसे में हम आज जो आपको रेमेडी शेयर करेंगे वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। थोड़े से ख्याल से आपको पहली ही बार में इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, जिससे आप यकीनन बहुत हैरान होंगे और आप कंटिन्यू इस रेमेडी को अपने रूटीन में रखेंगे। यानी वीक में इस रेमेडी को 2 से 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस रेमेडी को जानने के लिए और बनाने के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट करते हैं। सबसे पहले हमें लेमन चाहिए, 4 से 5 लेमन, बेकिंग सोडा तकरीबन 4 टेबल स्पून, चीनी 2 टेबल स्पून, ग्लीसरीन 2 टेबल स्पून, एलोवेरा जेल 2 टेबल स्पून, कोकोनट ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे या ऑलिव ऑयल, दोनों में से कोई भी ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए, वो भी 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा। वैसलीन जो है हमें 1 टेबल स्पून, समंदरी नमक जो है हमें सी सॉल्ट वो तकरीबन 1/2 कप के करीब, अजवाइन जो है वो हमें 2 टेबल स्पून चाहिए। इसकी मिकदार को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन मैंने उन ख़वातीन के लिए स्पेशली इसमें शामिल की है जो घर के काम काज से बहुत थक जाती हैं और जिसकी वजह से उनकी एड़ियों में बहुत शदीद दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें इतनी खसूसियात रखी हैं अजवाइन में कि आपके दर्द को, आपके पेन को जो है वो रिलीफ करता है। इसमें नीम के लीफ भी यूज़ कर सकते हैं और इसके पाउडर फॉर्म में भी, उससे आपकी स्किन जो है वो जो जम्स क्लीन हो जाएगी, किसी किस्म का सेप्टिक जो है आपकी स्किन पर नहीं होगा। तो हम इसमें नीम के पत्ते भी यूज़ करेंगे। तो ये तो थे इसके इन्ग्रीडियंट, अब हम इसके मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप में आपने करना है, अपने पैरों को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने जो आमतौर पे हमारे घरों में झामा जिसको हम कहते हैं वो यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप अपने स्किन जो डेड स्किन है उसको अच्छे से 5 से 7 मिनट रब करके आप इस स्किन को, डेड स्किन को रिमूव करेंगे। अपने नेल्स को कट करें अगर बड़े हुए हैं, अपने क्यूटिक्स को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद नेल पॉलिश को भी रिमूव कर दें। सेकेंड स्टेप में पानी गर्म करेंगे, थोड़ा नीम के पाउडर या नीम के पत्ते डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और नमक को गर्म होने के बाद इसमें हल करेंगे, और इसके बाद हम इसको उस टेम्परेचर के करीब ले आएंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, यानी जो पानी इतना गर्म हो कि हम उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकें। इसमें हम बेकिंग सोडा जो है वो ऐड करेंगे, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब होगा। उसके बाद हम इसमें अपने पाँव डुबो देंगे। थोड़ा सा शैम्पू भी डाल सकते हैं, अगर पहली बार में आपने शैम्पू या साबुन यूज़ नहीं किया है तो आप शैम्पू उसमें डाल दीजिए, और इसके बाद तकरीबन 20 से 30 मिनट तक के लिए इनको डुबोए रखें। इससे ये होगा कि स्किन जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और इसको रिमूव करना डेड स्किन को ईजी हो जाएगा, और इससे ना सिर्फ ये कि आपकी जो डेड स्किन और जर्म्स भी इससे क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें नीम के पत्ते भी ऐड किए हैं और अजवाइन भी हमने इसमें ऐड करके इसको बॉईल किया है। तो ये फर्स्ट स्टेप में हम अजवाइन जो है वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद
थर्ड स्टेप में हम पैरों को अपने इस पानी से बाहर निकालेंगे। लेमन जूस हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा जो है चीनी जो है हम जो 2 टेबल स्पून हमने बताई थी वो ऐड करके हम एक साइड पर रख देंगे ताकि वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद हम अपने पैरों पे, फोर्थ स्टेप भी हमारा इसी के साथ है, इसमें हम अपने पैरों पे लीमू और चीनी जो है मिक्स हो चुकी है उसको हम अच्छे से रब करेंगे अपने पैरों पे। लीमू के छिलके के साथ ही इसको अच्छे से रब करेंगे जिससे सारी डेड स्किन जो है वो उतर जाएगी और हमारे पाँव जो है वो बहुत अच्छे से शाइन करेंगे। पैरों की एड़ियों पे भी बहुत अच्छे से इसको आप रब कीजिएगा। इसके बाद हम पैरों पे थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के दोबारा से अपने पैरों पे अच्छे से इसको लेमन को रब करेंगे। इससे ये होगा कि जो भी स्किन के ऊपर डेड स्किन अगर रह गई है एड़ियों पर पैरों के तलवे में तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इसके बाद इसी स्टेप में हम जो है बालों को स्क्रब करने के बाद, ये एक स्क्रबिंग है क्योंकि हम चीनी और लेमन का जो हमने स्क्रब बनाया है एक तरह से वो हमने इसमें यूज़ किया है, दोबारा से हम अपने पैरों को इसी टब में वापस डाल देंगे। तकरीबन 5 मिनट वहाँ पैरों को डिप कीजिए और उसके बाद लेमन के छिलके से ही उसको अच्छे से रब कीजिए। फिर उसके बाद उसको साफ़ करके पैरों को आप पानी से बाहर निकाल लीजिए। यह आपका पेडिक्योर के लिए पाँव आपके रेडी हो चुके हैं, यानी आपके पाँव और क्लीन हो चुके हैं। अब हम इनको महफूज रखने के लिए या एड़ियों को जो है केयर करने के लिए हम एक रेमेडी बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे। इसको आप 5 से 6 दिन जो है फ्रीज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको फीट क्रीम बनाना बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो आपकी फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत जल्दी वर्क करने वाली है। इसके जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको स्टार्ट में लिखवाए थे वो आप इसमें दोबारा से नोट कर लीजिए। एलोवेरा जेल, 2 टेबल स्पून कोकोनट जो है ऑयल या ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून होगा, उनमें से कोई भी एक ऑयल ले लीजिए। ग्लिसरीन जो है वो 1 टेबल स्पून है, वैसलीन भी 1 टेबल स्पून है। इसके बाद हमने जो है इस सारे मिक्सचर को बनाना है, हमने एक जार में आप इन सब चीज़ों को डाल दीजिए। सिर्फ वैसलीन को हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि हमें इसको मेल्ट करके डालना है। एलोवेरा जेल को बहुत अच्छे से आप इसको फ्लफी से क्रीमी टेक्सचर में तब्दील करना है, अच्छे से बीट करना है ग्लिसरीन और ऑयल डाल के। उसके बाद आप इसमें वैसलीन को मेल्ट कर लीजिए किसी बड़े से स्पून में लेकर, और जब मेल्ट हो जाए तो फौरन ही आप इसमें इस मिक्सचर में डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप जब ये थोड़ा सा टेम्परेचर अगर वो ज़्यादा गर्म है लो हो जाए तो आप लेमन जूस तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपकी रेडी हो गई होममेड फीट क्रीम जो कि आपकी पैरों की फटी हुई एड़ियों से आपके मसाइल को जो है वो निजात देगी। आप इसको अच्छे से अपने पैरों की एड़ियों पर और पूरे पाँव पर अच्छे से इसको मसाज कीजिए तकरीबन 5 से 7 मिनट। उसके बाद एक थोड़ी लेयर जहाँ से एड़ियाँ डैमेज है, स्किन जहाँ से भी ख़राब है, आप उसको अच्छे से लगा के और कॉटन के सॉक्स पहन लीजिए। तो ये आपके लिए ओवरनाइट आपका वर्क करेगी। अगर आप दिन में यूज़ करती हैं तब भी आप पानी से बचाइएगा, लेकिन सेम इसी तरीके से आप इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 वीक के इस्तेमाल से ही आपके पाँव जो हैं बहुत खूबसूरत हो गए हैं। फर्स्ट डे में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर डैमेज है ज़्यादा एड़ियाँ तो 1 वीक में आपकी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। तो ये थी आज की रेमेडी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप किसी नई रेमेडी के बारे में जानना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा।